हाय डियर फ्रेंड, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग, और सर्वेइंग में हम होल सर्कल बियरिंग टू रिड्यूस बियरिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं आज हम सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? होल सर्कल जो बियरिंग रीडिंग होती है टू कन्वर्ट इनटू रिड्यूस बियरिंग, ठीक है, रिड्यूस बियरिंग, इसको और नाम से जाना जाता है क्यूबी, क्वाड्रेटल बियरिंग, ठीक है, रिड्यूस बियरिंग, क्वाड्रेटल बियरिंग, इसको और एक नाम से जाना जाता है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कोई भी वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, जैसे मान लो WCB होल सर्कल बियरिंग को शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं WCB, ठीक है, इसको RB से और इसको QB से, ठीक है, QB हो या RB सेम ही होता है। तो होल सर्कल बियरिंग के रीडिंग को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस बियरिंग में, एंड QB सेम ही है, रिड्यूस बियरिंग या QB सेम ही है। तो होल सर्कल बियरिंग मान लो ये 25 डिग्री दिया हो, या 125 डिग्री दिया हो, या 165 डिग्री दिया हो, या आपका दे दिया 195 डिग्री दिया हो, या 225 डिग्री दिया हो, या 330 डिग्री दिया हो, तो इसका आरबी क्या होगा? इसका आरबी क्या होगा? इसका आरबी, इसका आरबी, इसका, इसका, इसका। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ इजी वे में हम सब समझाते जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, देखो जितना भी दिया रहता है, आरबी जब भी लिखते हैं तो डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। होल सर्कल बियरिंग की जितनी रीडिंग होती है वो नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग होती है, नॉर्थ के रेफरेंस लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रीडिंग होल सर्कल बियरिंग बताती है। आरबी वो डायरेक्शन के साथ ही रीडिंग देती है, ठीक है, वो डायरेक्शन के साथ देती है। यहाँ पे डायरेक्शन हमारा नॉर्थ होता ही है, एक ही होता है, फिक्स होता है, बट इसके अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो 25 रीडिंग दिया है, तो सबसे पहले आप ये आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है, दिस इज द साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ऐसे हम जो भी होल सर्कल बियरिंग की रीडिंग लेते हैं वो कैसे क्लॉकवाइज रीडिंग में लिखते हैं। तो 25 लिखना है तो नॉर्थ से ही 25, ये मेरा होल सर्कल बियरिंग 25 डिग्री हो गया, 25 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो आपका रिड्यूस बियरिंग होगा वो कैसे, कितना होगा रिड्यूस बियरिंग? तो रिड्यूस बियरिंग जो होता है वो या तो नॉर्थ के साथ होता है या तो साउथ के साथ होता है, ठीक है। तो देखो नॉर्थ के साथ हमारा 25 है, ठीक है, और किसके बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो पहले ही नंबर जहां पर भी हो नॉर्थ ईस्ट तो आ गया आपका, नॉर्थ और ईस्ट तो आ गया, लेकिन एंगल नॉर्थ के साथ चाहिए या तो साउथ के साथ चाहिए। तो नॉर्थ वाले ईस्ट में है तो नॉर्थ के साथ कितना बना रही, 25 डिग्री, ये 25 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका आरबी अगर 90 डिग्री से कम होता है, ध्यान देना, अगर 90 डिग्री से जितनी वैल्यू कम आती है वो एन और ई डायरेक्शन में आएगा। होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू बता रहा हूं, अगर होल सर्कल बियरिंग की रीडिंग 90 डिग्री से कम होती है तो वो एन और ई में आएगा, और जितनी वैल्यू होगी वही आरबी होगा। जो होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू होगी वही आरबी होगा। कब? जब वो 0 और 90 के बीच में एंगल आता है होल सर्कल बियरिंग का, तब, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब देख लो दूसरा वाला पॉइंट, देख लो दूसरे वाले पॉइंट को, देख लो कितना आ रहा है 125। 125 कहां पे आएगा? देखो यहां तक 90 होता है, उसके बाद से यहां पर आपका आ गया 120, ये कितना आ गया 125 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है, जो एंगल है, वो किसके बीच में आ रहा है? एस और ई के बीच में आ रहा है, एस और ई के बीच में आ रहा, ठीक है। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला तो सिंपल सा है, वो जितना आ रहा है एज इट इज, जितना आया उतना ही हो जा रहा है फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो ये जो एंगल है 125 किसके बीच में आ रहा है? एस और ई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो पहले लिख दिया एस और ई, हमेशा ध्यान देना कि इधर साइड में एन होगा या तो एस होगा, इधर साइड में ई होगा या वेस्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखने का। तो एस और ई तो आ गया, लेकिन हमने पहले बताया या तो नॉर्थ के साथ एंगल हो या तो साउथ के साथ एंगल हो, तो यहां जो मैं लिखने वाला हूं वो ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, साउथ के साथ। तो साउथ के साथ कितना होगा? देखो ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये टोटल पता है मुझे 180 होता है, उसमें से ये मैं निकाल दूं तो मिल जाएगा। मतलब होल सर्कल बियरिंग की जो भी रीडिंग दी हुई होगी, इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, जो भी अगर इनके बीच में आती है, ये इनके बीच में मतलब यहां पर लिख दूं मैं
90 टू 180 डिग्री के बीच में अगर आता है, जो भी एंगल, देखो 90 टू 180 के बीच में एंगल आया है, तो जो आता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 180 माइनस जो भी दिया है WCB, वो वैल्यू कर देंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। देखो 180 में से 125 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है, 125 माइनस कर दिया, देखो 5 का 5 आ जाएगा, 0 माइनस 5 5 या 7, 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया 55 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये आ गया आपका रिड्यूस बेयरिंग। वैसे इसको देख लो 165 कहां पे आएगा, 165 भी इसी में आएगा, 165 भी कहां पर आएगा, 180 से तो कम ही है ना, 165 यहां पर आ गया, ये 165 है तो ये भी इसी में आ रहा है, 90 टू 180 डिग्री के बीच में ही आ रहा है ना 165। इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला है, 180 माइनस WCB जो भी रीडिंग आई है तो S और E में ही आएगा। अब कितना 180 में से 165 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से देखो 195 कहां पे आएगा, 195 अगर मैं यहां पे बनाऊं, यहां पे मैं अलग इधर बना देता हूं, यहां पे मैं अगर बनाए ये N S E West, ठीक है ईस्ट वेस्ट हो गया, 195 मतलब 180 से ज्यादा होगा, ये 180 और इधर ये 95, ये आपका एंगल बना। ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग बना। अब ये जो होल सर्कल बेयरिंग है वो किसके बीच में आ रहा है, S और W के बीच में आ रहा है, यहां पे लिख देंगे S और W, और ये किसके बीच में आ रहा है, 180 टू 270 के एंगल होता है, 180 और 270 के बीच का अगर एंगल हो, इनके बीच का जो भी एंगल हो तो उसमें क्या करेंगे, देखो ये WCB है उसमें से ये 180 माइनस करता, हमें S के साथ एंगल चाहिए, या तो नॉर्थ के साथ चाहिए या तो साउथ के साथ, तो देखो साउथ के साथ ये एंगल बना रहा है, वो एंगल हमारा यहाँ पे होगा, थीटा जो भी होगा वही एंगल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वो कितना होगा, ये टोटल में से ये 180 माइनस कर दे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 195, उसमें से 180 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WCB माइनस 180 डिग्री इधर बन जाएगा। अगर 180 और 270 के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला WCB माइनस 180 हो जाएगा। कोई भी रख ले 180 और 270 के बीच में कोई भी एंगल रख के आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी वैल्यू आए उसमें 180 माइनस कर दो वो आ जाएगा, और SW में आ रहा है तो SW में आ गया। ठीक है, ये लिख देंगे, ये तरीका बेस्ट है। फिर 225 कहां पे आएगा, देखो यहां तक 270 होता था, 225 भी इसी में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब इसमें ही आ रहा है तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और SW में ही होगा, SW में ही होगा, तो जो 225 है उसमें से 180 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, आ गया कि नहीं आ गया, फॉर्मूला सेम यही रहेगा। फिर इसके बाद से देखो 330 कहां पे आएगा, ये 270, फिर यहां पे आ गया ये 330, ये जो एंगल पूरा ये बन रहा है, ये पूरा कितना बन रहा है 330 बन रहा है। अब देखो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसके इसके बीच में आ रहा है तो नॉर्थ के साथ जो एंगल चाहिए हमें, नॉर्थ के साथ जो बन रहा है वो एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच में आए तो साउथ के साथ एंगल लो, इनके बीच में आए तो नॉर्थ के साथ एंगल लो। ठीक है, तभी देखो 272, अगर 272 360 के बीच में आता है, ये जो आ रहा है वो 270 से 360 के बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी एंगल आता है तो उसको क्या कर देते हैं कि 360 माइनस WCB करते हैं, कितना करेंगे 360 माइनस WCB कर देंगे, जो भी आया है 360 टोटल माइनस, देखो ये पूरा टोटल में से ये इतना पार्ट निकल जाए तो ये एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वही कर देंगे। किस में आएगा, N और W में आएगा, आएगा किस में, N W में, और इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, 330 है और 360 इसमें 330 माइनस कर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप आरबी, ये जो जितनी वैल्यू मैंने बताया ये सब आरबी की वैल्यू है, या तो WCB है, WCB से आरबी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ कुछ फॉर्मूले मैंने बताया इस तरीके से, इसमें अगर आते हैं इस तरीके का फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं, या तो जो मैंने मेथड बताया वो मेथड का यूज करके आप ये आरबी फाइंड आउट कर सकते हो, और आरबी जो अगर फाइंड आउट करने आ गया तो आरबी से आप WCB भी फाइंड आउट कर सकते हो इस डायरेक्शन के हेल्प लेकर। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से करना है ताकि आपका जो भी वैल्यू है,
चाहे जो कन्वर्ट करने के लिए आ रहे हैं वो आप इजीली कर सकते हो, WCB से RB हो चाहे RB से WCB हो। इसको बार बार, बहुत सारे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, वो टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई ऐसा लग रहा है कि जो मुझे नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस नंबर पे आपने मैसेज कर देना 7359924377, ये नंबर पे आपने मैसेज कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आपने ये इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो भी इसमें डाउट आ रहे हैं वो आपका क्लियर हो सके। सो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए भी वेलकम है। वापी में इसके जो अबाउट है, चैनल के अबाउट में जाके उसके बहुत सारे डिटेल हैं, वो डिटेल को भी पढ़ के, और आपको जो भी जहाँ पे भी क्लास है वहाँ का डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू मी एंड हाउ टू अटेंड द क्लास, आई विल गिव मोर नॉलेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।